हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निशु की स्वीट किचन। मैं निशु फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नई रेसिपी लेकर। आज हम बनाने वाले हैं बालूशाही। बालूशाही दिखने में जितनी मुश्किल लगती है, ये बनानी उतनी ही आसान होती है। तो चलिए बनाते हैं अपनी बालूशाही। चलिए दोस्तों, पहले अपनी चाशनी बना लेते हैं बालूशाही को मीठा करने के लिए। उसके लिए मैंने लिया है 1 कप चीनी और उसमें मैं डालूंगी 1/2 कप पानी, आधी मात्रा में। ये देखिए दोस्तों, जब हमारी चीनी अच्छी तरीके से इसमें घुल जाए तो हम डालेंगे 1/2 चम्मच इलायची पाउडर या कुटी इलायची, और हल्का सा मैं इसमें डाल रही हूँ फूड कलर। अगर आपको कलर अच्छा नहीं लगता तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन इससे बालूशाही में कलर बहुत अच्छा आता है। ये देखिए दोस्तों, हमारी चाशनी बनकर रेडी हो चुकी है। जब हम ऊपर से डालते हैं इसको, अब देखिए मेरी आखिरी बूंद गिरेगी तो वो एकदम तार बनाकर गिरेगी। ये देखिए तो समझिए हमारी चाशनी तैयार है। बालूशाही बनाने के लिए दोस्तों मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 कप मैदा। अब मैं इसमें डालूंगी 1/4 कप देसी घी। आप देसी घी की जगह रिफाइंड ऑयल या बटर भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर। 2 पिंच मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। नमक दोस्तों, जब भी आप कोई बकर या चाशनी की चीज़ बनाएं उसमें नमक थोड़ा सा ज़रूर डालें, ताकि जो इसकी मिठास होती है इसे बैलेंस करके रखती है। तो हम अच्छे से हाथों को साफ कर इसे पहले अच्छी तरीके से मिला लेंगे इसमें। ये देखिए मेरा घी मैदा में अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है। ये देखें, अब हम इसे हल्का हल्का पानी डालकर इसका एक डो नहीं बनाएंगे, इसे सिर्फ हमें इकट्ठा करना है एक जगह। पानी दोस्तों धीरे ही धीरे डालें। ये देखिए दोस्तों, मैंने सिर्फ इसे इकट्ठा कर लिया एक जगह, इसे चिकना ना करें। ये देखिए इसकी लेयर आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। अब हम इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। दोस्तों इसे बनाने के लिए मैंने 1/2 कप पानी लिया था, जिसमें से मेरा सिर्फ 1/2 ही पानी लगा है। ये देखिए दोस्तों, हमारे डो ने अच्छा 5 मिनट आराम कर लिया है। अब हम इसे चिकना बिल्कुल नहीं करने हैं, इसे हमें कुछ इस तरीके से ऐसे काटना है बीच में से, और इसके ऊपर ही बिछा देना है, फिर इसे नीचे पुश करना है, फिर बीच में से काटेंगे, फिर इसके ऊपर ऐसे ही लगा देंगे इसे। फिर हम बीच में से काटेंगे, यही प्रोसेस हमें 3 बार करना है। अब हम इसे बीच में से निकालेंगे इस तरीके से, और एक इसको रोल करेंगे ऐसे इस तरीके से। ध्यान रहे दोस्तों, इसे चिकना बिल्कुल ना करें। अगर इसे चिकना कर देंगे तो जो हमारी बालूशाही में अंदर लेयर आती हैं वो ठीक से नहीं आएंगी। देखिए अब मैं इसे भी 4 भाग में डिवाइड कर दूंगी। देखिए, और अब एक इसको उठाकर ऐसे करके पुश करेंगे हल्के हाथों से बिल्कुल, और इसको
हमारी हाथ की सबसे छोटी वाली उंगली से हम इसमें बीच में एक होल कर देंगे इस तरीके से। ये देखिए इसी तरीके से अपनी सारी बालूशाही बना ले पहले। ये देखिए दोस्तों मैंने अपनी सारी बालूशाही बना ली है। अब मेरी एक कप में 8 बालूशाही बनी है, तो चलिए अब हम इन्हें तल लेते हैं। ये देखिए दोस्तों बालूशाही को तलने के लिए मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल लिया है। इसे हमें ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बस हल्का सा गर्म करना है और हल्के गर्म में ही हमें इन्हें डाल देना है इसमें। कोशिश करें दोस्तों हम एक ही बार में सब डाल दें, ताकि हमें ये ठंडे ऑयल में डालना पड़ता है। फिर अगर आप दूसरी बार डालेंगे तेल गर्म हो जाएगा, फिर उसे ठंडा करेंगे तो फिर इसमें आपका टाइम बहुत लग जाएगा। कोशिश करें कि एक ही बार में सब तल जाएं और अब इन्हें बिल्कुल टच ना करें, ये अपने आप ही ऊपर आ जाएंगी। जब ये ऊपर आ जाएँ तब हम इन्हें पलटेंगे। ये देखिए दोस्तों ये धीरे धीरे ऊपर आने लगी हैं। हमने गैस को बिल्कुल स्लो पे रखा हुआ है। ये देखिए दोस्तों मेरी बालूशाही पूरी अच्छी तरीके से ऊपर तैर गई है। अब मैं फ्लेम को थोड़ा सा तेज करूंगी, ज़्यादा तेज ना करें, बस हल्का सा ही। अभी भी इन्हें पलटे ना, तब तक इनका कलर नीचे का ब्राउन ना हो जाए, थोड़ा सा हल्का ब्राउन, तब तक इन्हें ना पलटें। अगर इन्हें अभी पलट देंगे, छेड़ेंगे, तो ये हमारी बालूशाही टूट जाएंगी, क्योंकि हमारी बालूशाही बहुत खस्ता होती हैं। ये देखिए दोस्तों मीडियम फ्लेम पे पकाते हुए मुझे 2 मिनट हुए हैं। अब मैं इन्हें पलटूंगी धीरे धीरे बिल्कुल। ये देखिए अब इधर से भी हम इन्हें हल्की ब्राउन होने तक तलेंगे। देखिए दोस्तों मैंने पलट दिया था, मैंने 3 मिनट से मीडियम फ्लेम पर इधर से इधर की तरफ से सेकी हैं और 3 ही मिनट मैंने उधर से सेकी हैं। अब मैं आपको दोनों तरफ का कलर दिखा देती हूँ। ये देखिए मैं पास ला के दिखा देती हूँ। ये देखिए अब हम इन्हें निकाल लेंगे। ये देखिए दोस्तों मैंने अपनी सारी बालूशाही ऑयल में से निकाल ली है। ये कुछ इस तरीके का है इनका शेड, आप देख लें। अब हम इन्हें अपनी चाशनी में डालेंगे। चाशनी हमारी ज़्यादा गर्म नहीं है, चाशनी इसके ऊपर हम डालेंगे इस तरीके से। इसी तरीके से हम अपनी सारी बालूशाही को अपनी चाशनी में डुबा लेंगे। ये देखिए दोस्तों मेरी बालूशाही ने अच्छी तरीके से बखर पी लिया है। अब मैं इन्हें एक प्लेट में निकाल लूंगी। ये देखिए दोस्तों हमारी बालूशाही बनकर तैयार है। अब मैं इन्हें गार्निश करूंगी कुछ काजू बादाम के साथ।
अब मैं लगा रही हूँ कुछ धागे इसमें केसर के। ये देखिए दोस्तों बनकर तैयार है हमारी घर में फ्रेश एकदम बालूशाही। आप इन्हीं बालूशाही का कलर देख सकते हैं दोस्तों, मैंने इसमें बस थोड़ा सा कलर डाला था। अगर आपको स्ट्रॉन्ग कलर चाहिए तो आप कलर की क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं इसमें, आपको जैसा कलर चाहिए। ये देखिए, तो अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को और बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं। तो मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।